Action. Come in. इस तरह क्या बहाना है आपका? मैं पिछले दफा भी कहा था कि मैं एक हफ्ते में काट देती हूँ, तो एक महीना हो चुका है। हाँ, मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है और मेरी सैलरी भी आ जाएगी। पार्ट टाइम एक्स्ट्रा जॉब कर रही हूँ, सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सो ये अभी तक लास्ट टाइम भी यही कुछ कहा था मुझे। हाँ, आपको याद है या नहीं? मुझे याद है, लेकिन मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सो मुझे वहाँ इस्तेमाल करने पड़ गए पैसे। लग रहा है हॉस्टल में खाली करवाना पड़ेगा। नहीं, अब हॉस्टल खाली नहीं करवाए, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा काम है, मेरी रिसर्च भी चल रही है लैब में, और मैं अभी हॉस्टल खाली नहीं कर सकती। आप रह रही हैं फिर? अब कोई और तरीका नहीं निकाल सकते, मतलब कुछ और टाइम दे दे मुझे। 2 मंथ पहले हो चुके हैं, 1 हफ्ते का कह कह के, ये 3रा मंथ ये भी खत्म होने वाला है, और कितना टाइम दो? सर, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, वही चल रही है, थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो अब थोड़ा सा मैनेज कर लें। और मैनेज नहीं कर सकता मैं, जितना मैनेज करना था मैंने कर लिया, और वैसे भी पढ़ लिख के तुमने कौन सा मुझे कमा के देना है? हाँ, लेकिन अगर मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं आपका सारा रेंट चुका दूंगी। पहले सोचना चाहिए था ना हॉस्टल लेने से पहले, जॉब अच्छी है या नहीं है। ये हॉस्टल से गर्ज है, रेंट से गर्ज है, आपकी पढ़ाई और आपकी जॉब से नहीं। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ किससे उधार मांग लूँ, क्या आपका रेंट तो चुकाना पड़ेगा, मतलब देखिए तो, आज या तो फिर मुझे रेंट चाहिए या फिर ये मेरा हॉस्टल खाली करें, बहुत हैं लेने वाले। हाँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और मैं आपका पैसे क्यों रखूंगी? ये 2-3 माह से मैं आपकी मजबूरी ही तो समझ रहा हूँ। कुछ टाइम मुझे और दे दे, मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी, मेरी पार्ट टाइम पे रिसर्च चल रही है, ऐसा करो मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, ये हॉस्टल तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, वो ठीक है? टाइम दे दो, टाइम दे दो, पिछली बार तुमने कहा था 1 हफ्ते का टाइम दे दो, वो आज 1.5 मंथ हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, और बहाने नहीं चलेंगे। पैसे दो या फिर पैसे दें या फिर ये हॉस्टल खाली करें, बस मेरा यही फैसला है। कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। बीच का रास्ता क्या, बीच का रास्ता निकालो बताओ? टाइम चाहिए होगा तुम्हें, वो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि पहले मैं तुम्हें बहुत टाइम दे चुका हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। क्या कोशिश करती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ, कोशिश करती हूँ? मुझे रेंट अभी की अभी चाहिए या अभी मेरा हॉस्टल खाली करो। तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है। तो क्या इतने के बीच का रास्ता निकालो? हाँ? तो बीच का ही रास्ता निकाल लेते हैं। क्या खूबसूरत हो और
समझ सकती हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपने घर से बाहर अपनी तालीम मुकम्मल करने आई हूँ, अपने माँ बाप का सहारा बनने आई हूँ। मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती। मैंने कब कहा किसी से था मांग के ही सही, लेकिन आपका रेंट दे दूंगी। तो ठीक है, फिर मुझे रेंट दो, मैं जाऊँ। ठीक है, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दें, कल तक आपको आपका रेंट मिल जाएगा। एक दिन का मतलब एक दिन ही, समझ रही है ना? दूसरे दिन ये हॉस्टल खाली होना चाहिए या फिर रेंट मिलना चाहिए। ठीक है।